तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है ये पनीर की रेसिपी। इसमें बहुत ही सिंपल से मसाले होते हैं और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट होता है इसका। काफ़ी लोगों की कंप्लेन होती है कि जब पनीर को फ्राई कर दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा रबरी जैसा हो जाता है, रबड़ की तरह हो जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स बताई हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमन दस्ते में मैंने ले लिया है 12 लहसुन और आधा इंच से थोड़ा कम अदरक, तो इसे हम दरदरा कूट लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने दरदरा पीस लिया है और इसे मैं रख दूंगी साइड में। और यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, और जैसे कि आप देख सकते हो पनीर की जो साइज़ है मैंने लंबी लंबी काटी है। तो कश्मीरी पनीर मसाला जो होता है उसमें पनीर की जो साइज़ होती है बड़ी बड़ी सी होती है, छोटी छोटी क्यूब्स में नहीं होती है। और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी, वो थोड़ा सा आप कपड़े से सुखा सकते हो या फिर आप टिश्यू पेपर से भी निकाल सकते हो। तो इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, तो करीबन 4 से 5 कप पानी लिया होगा। और इसके अंदर हमें डालना है नमक, तो यहाँ पे 1 टीस्पून नमक मैंने डाल दिया है। और गैस को यहाँ पे तेज़ रखेंगे और यहाँ पे जो पानी है उसे हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं करना है। बस इतना होना चाहिए कि पानी के ऊपर भाप आना शुरू हो जाए। जब तक पानी यहाँ पे गर्म होता है मैं कढ़ाई में डाल दूंगी सरसों का तेल। ये जो रेसिपी है सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाई जाती है। तो इसका जो टेस्ट है सबसे बेस्ट सरसों के तेल में आएगा। और आँच को मैं यहाँ पे तेज़ रख दूंगी और यहाँ पे सरसों का तेल में से धुआं निकलना शुरू हो जाना चाहिए। तो देखिए धुआं उठना शुरू हो चुका है, तो आँच को मैं यहाँ पे धीमा कर दूंगी। और अब डाल देते हैं इसके अंदर पनीर के टुकड़े। हमें यहाँ पे पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, बस इतना होना चाहिए कि हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पनीर तल के तैयार हो चुका है। अब ये गर्मा गर्म पनीर को हम डाल देंगे नमक के पानी में। और यहाँ पे जो नमक का पानी है वो तैयार हो चुका है और गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं था। तो अब ये जो पनीर है वो हम डाल देंगे नमक के पानी में। और इसी तरीके से हम बाकी का जो पनीर है उसे भी हम तल लेंगे और हल्का सा ब्राउन कर लेना है हमें। और उसके बाद हम गर्मा गर्म जो पनीर फ्राई किया है वो डाल देंगे हम नमक के पानी में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से ग्रेवी। तो यहाँ पे जो सरसों का तेल है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं कटोरी में निकाल लूँगी। और आँच को मैं यहाँ पे मध्यम रखूँगी। और यहाँ पे डालना है खड़े मसाले, तो यहाँ पे दालचीनी 2 है, साथ ही साथ में 4 से 5 यहाँ पे हरी इलायची है, लौंग है 4 से 5, करीबन 10 खड़ी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और यहाँ पे 2 तेज पत्ते लिए हैं। तो जो खड़ा मसाला है वो आप कम भी डाल सकते हो, और जितना कम खड़ा मसाला रहेगा उतना अच्छा है। और आँच यहाँ पे थोड़ा सा धीमा कर लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन, और बस थोड़ा सा हमें इसे चला लेना है, हमें यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और बस इसमें डाल देंगे हम एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज। यहाँ पे प्याज को सुनहरी होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे प्याज बहुत ही हल्के सुनहरी हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 2 मध्यम आकार के जो टमाटर है उसकी प्यूरी मैंने तैयार कर ली है, पीस लिया है, तो ये हम डाल देते हैं। आप यहाँ पे इसे 2 प्रकार से बना सकते हो, आप इसमें टमाटर की प्यूरी डाल सकते हो या फिर दही डाल सकते हो, दोनों भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट में आता है। यहाँ पे हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है, हमें यहाँ पे इसे तब तक पकाना है जब तक किनारों से तेल छूटना ना शुरू हो जाए। यहाँ पे तेल छूटना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं पाउडर मसाले। तो आंच को मैं यहाँ पे धीमा कर लूँगी। तो इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये टाटा संपन्न की हल्दी पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब डाल देंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर। सौंफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरी डिश है, तो इसमें हम सौंफ पाउडर डालेंगे। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हम यहाँ पे सौंठ पाउडर थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और जो आखिरी चीज़ हम इसमें मसालों में डालेंगे वो है गरम मसाला, टाटा संपन्न का गरम मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इस मसाले को हम थोड़ा पकाएंगे।
तो यहाँ पे टमाटर की जो मसाला हमने तैयार किया था वो तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर। तो पानी से हम निकालेंगे पनीर को और इस मसाले में डालेंगे, और नमक मैं यहाँ पे मसाले में डालना भूल गई थी, तो ऊपर से मैं नमक भी डाल देती हूँ, और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा पानी। तो यहाँ पे जो ग्रेवी है इसी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रहती है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसे सेमी भी रख सकते हो। तो हमें यहाँ पे इसे बिना ढके 5 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च, तो खैर खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता ही है ये। तो इसकी कर लेते हैं फटाफट प्लेटिंग। तो इसे हम सजा लेते हैं धनिया के साथ। तो अब है टेस्ट करने की बारी, तो मैं फटाफट इसे खा लेती हूँ रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी है, और इसका जो स्वाद है बहुत ही डिफरेंट है। जो आम तौर पे जो पनीर की सब्जियाँ आप खाते हो उससे कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्टी है। तो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।